स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे थे कंटिन्यूटी चैप्टर के बारे में। तो कंटिन्यूटी में कल हमने बेसिक पढ़ा था कंटिन्यूटी का इंट्रोडक्शन, एंड इंट्रोडक्शन के बाद में पढ़ा था कंटिन्यूटी एट अ गिवन पॉइंट। ओके, आज हम बात करेंगे फंक्शन पहले से कंटिन्यूस दिया होगा, उसके बाद हमें यहाँ पे एक चीज दिखानी होगी, तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू दी होगी, उसको वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ऑन फाइंडिंग कॉन्स्टेंट वैल्यू, ऑन फाइंडिंग द कॉन्स्टेंट गिवेन इन द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन वेयर When it is continuous at a given point, continuous at a given point. Okay, ये heading है। तो यहाँ पे आपके पास क्या function पहले से आपको continuous दिया होगा और आपको एक constant दिया गया होगा, उस constant की value बतानी होगी। जैसे एक question ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, आपको ये बताए continuous क्या होने पे कंडीशन क्या होती है। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F ऑफ A। ओके, अब जिस पॉइंट की बात की गई है कंटिन्यूस में वो वैल्यू, तो क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन, या फॉर विच द फंक्शन is continuous at x equals to 3. fx दिया गया है हमारे पास, fx equals to x square minus 9 upon में x minus 3, x does not equal to 3 and k when x equal to 3. ये फंक्शन दिया गया है आपको, इस फंक्शन के k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, अभी आपको बताया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है मतलब क्या हो गया कि हमारे पास f ऑफ a होता है वो होता है लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x। इस बात का ध्यान रखना कि अगर कंटिन्यूस पहले से दिया हुआ है तो हमें LHL और RHL करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल दो। ओके, आपको बार बार बता रहा हूँ कंटिन्यूस पहले से गिवन है, अगर फंक्शन हमारे पास प्रूव नहीं करना है तो हमें क्या करना है, f ऑफ a इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a f(x), मतलब यहाँ पे क्या आएगा कि f ऑफ 3 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में x माइनस में 3। ओके, देन यहाँ पे आपको ये वैल्यू गिवन है, f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, k इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3, इसको कर लेते हैं x माइनस 3 एंड x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 3, ये कैंसिल हो गया, देन k इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 x प्लस 3, अप्लाई करो लिमिट को, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ओके, तो आपको अदर कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे LHL और RHL कुछ लगाना नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है देन f ऑफ k इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) प्रूफ करना, पुट कर देना है, प्रूफ नहीं करना है। अगर यहाँ पे आपको प्रूफ भी करना होता है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी तो हमें क्या करना होगा, पहले LHL और RHL और f ऑफ a की वैल्यू इक्वल दिखानी होगी, और अगर इक्वल आ जाता है हमारे पास देन फंक्शन को वहाँ पे कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं आता है तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट की बात की गई है उस पॉइंट पे फंक्शन कैसे हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट लैम्डा फॉर विच फंक्शन
f of x, for which the function f of x is continuous at x equals to minus 1, then हमारे पास क्या होगा, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन में एक्स प्लस वन, देन यहाँ पे लैम्डा है, ये कब दिया हुआ है एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, ये दिया हुआ है एक्स इक्वल टू माइनस वन। ओके, अगर अगर हमारे पास यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन होता हम लोग LHL और RHL करते, बट यहाँ पे does not equal to है, मतलब आपको LHL भी एक फंक्शन है और RHL भी एक फंक्शन है, तब आप ये कहोगे अगर हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाएगी less than or equal to, तब आपको LHL और RHL के रिगार्डिंग ही सॉल्व करना होगा, मतलब आपके पास दो फंक्शन होते हैं, दो टाइप की, अगर हमारे पास does not equal to है तो आप डायरेक्टली f of a equal to limit extended to a fx लगा सकते हो, बट अगर हमारे पास यहाँ पे इनइक्वालिटी दे रखी है less than one and greater than equal to one, then आपको LHL और RHL को equal करके दिखाना होगा। उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन कीजिए जो दिया हुआ है। ओके, मैं इस क्वेश्चन को रख कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे does not equal to दिया हुआ है, मैं फिर से लिखा रहा हूँ, क्या f of minus one equal to limit x tending to minus one f of x, f of x क्या है x square minus 2x minus 3 upon में x plus 1, right? Then अब क्या करेंगे, ये वैल्यू तुमको दे रखी है लैम्डा, ये वैल्यू दे रखी है लैम्डा, यहाँ पे क्या करेंगे लिमिट x tending to minus 1, यहाँ पे क्या जाएगा x square minus में 3 lambda plus में lambda minus में 3 upon में x plus 1, मतलब क्या क्या फैक्टर कर लोगे, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू माइनस वन, ये हो जाएगा x माइनस थ्री एंड x प्लस वन अपॉन में x प्लस वन, x प्लस वन एंड x प्लस वन कैंसिल हो गया, कैन लिमिट x टेंडिंग टू माइनस वन x माइनस थ्री, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो लिमिट अप्लाई करके माइनस वन माइनस थ्री लैम्डा क्या हो गया हमारे पास माइनस फोर, ये आपका आंसर हो गया माइनस फोर। ओके, नोट कर लीजिए, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि does not equal to है तो LHL और RHL दोनों फंक्शन क्या वर्क करेंगे, यही फंक्शन वर्क करेंगे, बट f of जो माइनस वन दिया हुआ है वो आपको इक्वल के लिए ये देख रहा है लैम्डा, आपको यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं थी, इनइक्वालिटी नहीं थी तो मैंने क्या यूज किया f of a equal to limit x tending to a fx यूज कर लो। ओके, f of a आपको गिवन हुआ है लैम्डा माइनस वन, x tending to a नेगेटिव के लिए भी और पॉजिटिव के लिए भी क्या होगा, फंक्शन आपको ये दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 1, देन ये वैल्यू पुट की और सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई हमारे पास माइनस 4। ओके, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को रख कर दो, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फॉर इफ द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई fx equal to 2x minus 1 a और x plus 1, ओके, x less than 2, x equal to 2 and x greater than 2 is continuous at x equals to 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कोई इनइक्वालिटी आ गई है, इनइक्वालिटी आ गई है तो क्या करेंगे, LHL को सॉल्व करेंगे, RHL को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे LHL को अलग फंक्शन दिया गया है, RHL के लिए अलग फंक्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पे
टू नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास 2x माइनस 1 देन लिमिट x टेन इंटू जीरो क्या x टेन इंटू जीरो 2 इन ब्रैकेट 2 माइनस x माइनस 1 लिमिट x टेन इंटू जीरो 4 माइनस 2x माइनस 1 लिमिट x टेन इंटू जीरो 3 माइनस 2x अप्लाई करो लिमिट को अप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया इक्वल टू 3 और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है LHR की वैल्यू 3 है आपको पता है फंक्शन कंटीन्यूअस है क्या होता है LHR इक्वल्स टू f ऑफ 2 LHR इक्वल्स टू f ऑफ 2 LHR कितना है हमारे पास 3 f ऑफ 2 क्या है 8 देखिए आपका आंसर 8 मिल गया ओके आगे आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं आरएचएस सॉल्व करके दिखाता हूं आपको यहां पे आरएचएस का लेगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास x प्लस 1 देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 प्लस x प्लस 1 लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 प्लस h अप्लाई कर दो लिमिट को अप्लाई करने का देगा 3 प्लस 0 दैट इज 3 और आपको पता है क्या RHCl इक्वल टू f of a कितना दिया हुआ है स्मॉल तो a f of इसकी वैल्यू है 3 इसकी वैल्यू है 8 a की वैल्यू यहां से भी 3 आ गई यहां से भी 3 आ गई है मतलब क्या है फंक्शन तो कंटीन्यूअस दिख रहा है हमारे पास ओके फंक्शन में पहले दिखना या नहीं देखना यहां पे प्रूव ही नहीं करना था क्योंकि फंक्शन पहले से ही बोला कि फंक्शन कंटीन्यूअस है एट x = 2 पर तो आपको क्या करना है इस LHR इक्वल्स टू RHCl इक्वल्स टू f ऑफ a इसमें से कोई भी दो इक्वेशन को इक्वल कंसीडर करके आप सॉल्व कर सकते हो मैंने LHR इक्वल्स टू f ऑफ a लिया आंसर आ गया RHCl इक्वल्स टू f ऑफ a तो भी आंसर आएगा और LHR इक्वल्स टू RHCl हो गए तो हमारे पास इक्वल दिख जाएगा क्या 3 आ रहा है हमारे पास ये भी 3 आ रहा है तो यहां पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है मतलब क्या करना है a की वैल्यू बतानी है a की वैल्यू क्या आएगी आपको f ऑफ 2 लेना ही पड़ेगा ओके नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए यहां पर इफ द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग वन प्लस ए एक्स माइनस लॉग वन प्लस बी एक्स सॉरी वन माइनस बी एक्स वन माइनस बी एक्स अपॉन में एक्स ये कब है जब x does not equal to 0 then k when x equal to 0 okay is continuous at x equals to 0 then find k okay solve कीजिए इसे आप then find k
अच्छा अभी देखिए यहाँ पर यहाँ देखा फिर से क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस है x = 0 का मतलब f ऑफ 0 जो है वो किसके इक्वल होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x क्या है हमारे पास log 1 plus ax माइनस log 1 माइनस bx अपॉन में क्या है हमारे पास x ओके f ऑफ 0 क्या दिया है k लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 plus ax upon में separate divide कर रहा हूँ मैं 1 plus ax upon ax minus log 1 minus में bx अच्छा मैं limit को भी separate कर देता हूँ तो पहले रुक कर लीजिए 1 minus में bx upon में x ओके अब मैं limit को separate कर रहा हूँ limit x tending to 0 log 1 plus ax upon में x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 माइनस में bx अपॉन में x अच्छा ध्यान से देखिए ध्यान से क्या लिखना है यहाँ पे log 1 a plus x है आपको पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 plus x अपॉन में x क्या होता है 1 वह कब होता है जब हमारे पास x यहाँ पे है वही x यहाँ पे होना चाहिए ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे है log 1 plus ax है मत यहाँ पे मैं a से मल्टीपल कर दूँ और a से यहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पे क्या है 1 minus में bx मतलब यहाँ पे 1 plus होता है तो नीचे plus है यहाँ पे minus b है तो minus b से मल्टीपल करेंगे minus b से किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा minus b ओके देन ध्यान से देखिए a को बाहर कर देता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 plus ax अपॉन में क्या है ax माइनस इस माइनस b को यहाँ पे करेंगे तो प्लस में b हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 plus sorry 1 minus bx अपॉन में माइनस bx अच्छा हम अप्लाई करते हैं लिमिट को देखिए लिमिट को जैसे ही अप्लाई करोगे तो ये आइडेंटिटी की वजह से क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी तो k equal to a into 1 plus b into 1 k equals to a plus b ओके ये आपको a plus b किसके आवर k की वैल्यू आ गई नोट कर लीजिए आइडेंटिटी को याद रखिएगा एक बार ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहां पर लिखिए नेक्स्ट इफ द फंक्शन fx इफ द फंक्शन fx defined by f of x equals to 3ax plus b 3ax plus b and 5ax minus 2b ये कब है जब x greater than 1 equal to 1 and x less than 1 is continuous at x equal to 1 find the value of a and b find the value of
a एंड b, ओके okay, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या है, लेस देन हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स है a और b, और यहाँ पे दो वेरिएबल्स है a और b, और आपको इक्वलिटी मिलती है इसके 11 के इक्वल पर। तो ध्यान से देखिए, पहले LHS सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव फंक्शन में LHS लेस देन और समय हमारे पास ये रहा फंक्शन x 1 लेस देन, तो 5ax माइनस में 2b, 5ax माइनस में 2b, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 5a 1 माइनस h माइनस में 2b, ओके देन अप्लाई करो लिमिट को, लिमिट अप्लाई के लिए आ गया हमारे पास 5a माइनस में 2b, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 0 क्या आएगा 1, देन हमारे पास ये हो गया LHL, फिर आप करते हैं RHL की, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव हो सके हमारे पास 3ax प्लस b, 3ax प्लस b, यहाँ पर रखते हैं लोग 3ax प्लस b, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 3a इन ब्रैकेट 1 प्लस x प्लस में b, अप्लाई करो लिमिट को, क्या हो जाएगा 3a 1 प्लस b, 3a प्लस b। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है मतलब क्या आएगा, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 1, ओके LHL सॉल्व कर लिया है हमने, क्या है हमारे पास 5a माइनस में 2b इक्वल टू 3a प्लस में b इक्वल टू 11, समझ में आ रहा हो आपके पास, मैं पहले दो इक्वेशन लेता हूँ 5a माइनस में 2b इक्वल टू 3a प्लस में b, क्यों लिया है सर, क्योंकि यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाएगा a और b में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पुट करेंगे क्या रहेगा 2a, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, क्या आया 3b, 2a इक्वल टू 3b मतलब a इक्वल टू क्या हो गया 3b बाई 2, राइट a इक्वल टू 3b बाई 2। अब मैं किस रिलेशन को ले लेता हूँ उसको, इन दोनों को क्या रहेगा 3a प्लस b इक्वल टू 11, अगर आपको दिमाग में आ रहा है कि इसको क्यों नहीं लिया तो आप इसको भी ले सकते हो, ओके आप दोनों में से कोई भी रिलेशन ले सकते हो, यहाँ पे a की वैल्यू पुट की मैंने तो 3 इंटू 3b बाई 2 प्लस 2 सॉरी प्लस b इक्वल टू 11, देन सॉल्व करेंगे इसको, ये 9 बाई 2 11 11 b बाई 2 ऐसे लेने के बाद में इक्वल टू 11, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, b इक्वल टू 2, अब किसी भी इक्वेशन में रख दो आप, यहाँ पे रख देते हैं b इक्वल टू 2 पुट किया तो a इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3, फिर से समझिए पहले क्या किया मैंने LHL इक्वल टू RHL लिया, यहाँ पे क्या हो गया 5a माइनस 2b इक्वल टू 3a प्लस b, ओके फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट LHL इक्वल टू RHL 5a, यहाँ से a और b में रिलेशन आ गया, a इक्वल टू 3b बाई 2 होता है, देन मैंने RHL इक्वल टू f ऑफ 1 लिया, तो 3a प्लस b इक्वल टू 11, 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 3b बाई 2 मतलब 9b बाई 2 हो गया हमारे पास टोटल, ये LHL लेंगे प्लस b के साथ में 11b बाई 2, 11b बाई 2 इक्वल टू 11, 11 ने 11 कैंसिल, देन b इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 2, b इक्वल टू आ गया यहाँ पर, तो b की वैल्यू 2 एंड 2 कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 3, देन हमारे पास k की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, एग्जामिन मतलब टेस्ट, एग्जामिन द कंटिन्यूटी
डिग्री ऑफ द फंक्शन f of x equal to 3x minus 2 and x plus 1. x less or equal to 0 and x greater than 0. At x equals to 0. Okay, इस क्वेश्चन को अभी आप सॉल्व कीजिए पहले. देखिए यहाँ पे क्या करना है, टेस्ट कर रहे हैं कि ये जीरो पर कंटिन्यूटी है या नहीं है. तो पहले मैं LHS की बात करता हूँ. LHS लिमिट एक्सटेंड इनटू किस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, जीरो के लिए. जीरो से लेस फंक्शन क्या है हमारे पास, 3x-2. देन 3x-2 लिमिट x टेंड टू जीरो 3 ब्रैकेट 0 माइनस x माइनस 2 लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 3x माइनस 2 लिमिट अप्लाई कर दो. यहाँ पर अप्लाई लिमिट क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2. LHL हमारे पास माइनस 2 आ गया. अब बात कर रहे हैं RHL की. RHL क्या जाएगा, लिमिट x टेंड इनटू 2 पॉजिटिव सॉरी 0 पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव बात करेंगे यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, जीरो पॉजिटिव फंक्शन क्या है, एक्स प्लस वन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ये जाएगा जीरो प्लस एक्स माइनस सॉरी प्लस वन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स प्लस वन अप्लाई लिमिट क्या जाएगा, जीरो प्लस वन दैट इज वन. ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, LHL does not equal to RHL. LHL does not equal to RHL. The function fx is discontinuous at x equals to 0. Okay? Note it. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट की फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 एंड की व्हेन एक्स इक्वल डज नॉट इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 1. ओके सो नोट कीजिए. साथ ही साथ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 ये क्वेश्चन है हमारे पास. ओके अभी मैंने क्वेश्चन कराए क्वेश्चन फाइंड करने के लिए तो आपको बताया भी है कि लिमिट हमारे पास अगर हमारे पास यहाँ पे इनइक्वालिटी होगी तब हम सॉल्व करेंगे किस मेथड से, LHL इक्वल टू RHL मेथड से. बट अगर डज नॉट इक्वल टू और इक्वल टू की बात कर ली है तो हमारे पास डायरेक्टली क्या करेंगे, f of 1 equals to limit x tend into 1 x square minus 3x minus 2 upon में x minus 1. ओके देन अब क्या करेंगे, यहाँ पर f of 1 की वैल्यू क्या लिखेंगे हमारे पास, k यहाँ पर k. ओके इक्वल टू लिमिट x tend into 1 ये हो गया हमारे पास x square minus 2x minus x minus 2 upon में माइनस टू एक्स यहाँ पे प्लस टू है क्वेश्चन में
चेंज कर लेगा तो प्लस टू इधर आ, यहाँ पे x माइनस में वन, देन लिमिट x टेन इंटू वन, x टेन इंटू वन। अब क्या करेंगे, प्लस टू से x कॉमन फैक्टर करते हैं, यहाँ पर माइनस वन कॉमन, x माइनस में टू अपॉन में x माइनस में वन, लिमिट x टेन इंटू वन x माइनस वन एंड x माइनस टू अपॉन में x माइनस वन, x माइनस वन एंड x माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, लिमिट x टेन इंटू वन x माइनस में टू इक्वल टू क्या है हमारे पास k, k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, लिमिट x टेन इंटू वन x माइनस में टू, लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाई लिमिट k इक्वल टू वन माइनस टू, ओके तो k इक्वल क्या आ गया हमारे पास माइनस वन, ये आपका आंसर होगा। ओके आपको यहाँ पे अगर हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है डायरेक्टली, अगर वहाँ पे देखो क्वेश्चन इनइक्वालिटी सेट में दिया होगा तो एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ ऑफ ए लगाएंगे, अगर हमारे पास डज नॉट इक्वल टू और इक्वल के दिया होगा डायरेक्टली आप क्या करोगे एफ ऑफ ए इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड इनटू ए एफ एक्स लगा देंगे। ओके नोट कीजिए, बात करते हैं यहाँ पर लिमिट को अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई लिमिट
लिमिट अप्लाई की क्या होगा हमारे पास k ब्रैकेट 4 2 स्क्वायर होगा हमारे पास 2 माइनस 0 4 इक्वल टू 3 लिमिट इक्वल टू 3/4 ये आ गया हमारे पास k की वैल्यू। ओके आपको बताना बोल रहा हूं यहां पे इनइक्वालिटी की तो LHL इक्वल टू RHL देखा है मैंने क्यों देखना है क्योंकि रीजन है LHL के लिए हमारे पास ये फंक्शन है f of 2 के लिए भी यही फंक्शन है ओके और RHL के लिए हमारे पास ये दिया हुआ है 3 ओके नोट कर लीजिए Okay.
फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, शो दैट द फंक्शन है, शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड सॉरी ए एक्स प्लस वन, ए एक्स प्लस वन एंड बी एक्स प्लस थ्री, एक्स ग्रेटर लेस और इक्वल टू थ्री एंड एक्स ग्रेटर देन थ्री इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में फिर से बात की गई क्या कंटिन्यूटी की है या नहीं, जब हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया गया कि कंटिन्यूअस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर LHL इक्वल टू RHL यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई है लेस देन और ग्रेटर देन, देन LHL के लिए क्या करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव, फंक्शन क्या है हमारे पास ax प्लस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है 3 bx प्लस 3। ओके, देन अब हमारे पास यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 a ब्रैकेट 3 माइनस x प्लस में 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 b ब्रैकेट 3 प्लस x प्लस 3। ओके, देन अब लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाई लिमिट, लिमिट अप्लाई करने क्या देगा a ब्रैकेट 3 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू b इन ब्रैकेट 3 प्लस 0 प्लस 3, देन 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3, शिफ्ट कर देंगे 3a माइनस इक्वल टू 3b प्लस 2, देन a 3 कॉमन कर लेते हैं यहां से, यहां पे क्या हो गया b प्लस 2 बाय 3, 3 एंड 3 कैंसिल तो a इक्वल टू b प्लस 2 बाय 3। ओके, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a माइनस b इक्वल टू 2 बाई 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। और एक मेथड है क्या, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 3 इन ब्रैकेट a माइनस b इक्वल टू 2, ये तीनों में से आप कोई भी आंसर लिखोगे तो तीनों आंसर में से जो भी लिखा होगा वो करेक्ट होगा। ओके, नोट कर लीजिए। और इसी के साथ में जो कंटिन्यूटी का बेसिक पोर्शन था वो खत्म हो चुका है, इसके आगे बात करेंगे एट एन इंटरवल, कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल, तब हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में जो रियल पार्ट है जो हमारे पास अभी यूज होगा, इंटरवल में कैसे करेंगे वो लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, अभी आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आपके टेक्स्ट बुक से, और कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नोट कीजिए।